बिसम लहमान रही सो वी आर डिस्कसिंग करेंसी रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम एक्टिव ट्रेडिंग की बात कर रहे थे और मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिव ट्रेडिंग सिर्फ करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं इसको हमें फुल अंडरस्टैंडिंग हमारे और भी टूल्स में हमारी हेल्प करेगी सो मेक श्योर वी नो वाट इज़ एक्टिव ट्रेडिंग इसमें हमने कहा था कि फर्दर कैटेगरीज हैं जिसमें हमने दो की बात की थी ड्रेड ट्रेडिंग की और पोजिशन ट्रेडिंग की सो नाउ वी मूव टू द

At the end of a trend, there is usually some price volatility as a new trend tried to establish itself. If it is established, then we see some cooling down period and then it may come in again. So, here swing traders hai, inka role active. Hoga. Swing traders buy or sell at the price volatility sets in. If they change aayegi, pe ye position, and then they are going to gain out of it. Swing traders are usually held for more. दैन अ डे बट फॉर अ शॉर्टर टाइम देन द ट्रेंड ट्रेडर्स कि ये बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के जरिए नहीं जाएंगे कि वैन देयर सी कि यहाँ से अब राइज आना है तो दे बाय स्मॉल लेवल एंड देन या यहाँ से अब फॉल आना है बहुत बढ़ गया है तो दे सैलरी डाटा हायर एंड देन दे बाय डाटा लोअर लेवल सो दीज आर मूविंग विद द स्विंग्स स्विंग ट्रेडर्स ऑफर क्रिएट अ सेट ऑफ ट्रेडिंग रूल बेस्ड ऑन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जी इन्होंने अपने एक रूल्स बनाए होते हैं कि हमने किस लेवल तक एक्सपोजर को लेना है और किस लेवल पे हमने एग्जिट ले लेना है जो इनकी जो पीरियड है वो डे ट्रेडर से तो ज़्यादा है बट पोजीशन वालों से नॉर्मली ये कम पीरियड के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं दीज ट्रेडिंग रूल्स और एलग्रदम्स आर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इनको हेल्प आउट यही कर रहे होते हैं कि किस लेवल पर आप बाय करो किस लेवल पर आप इसकी सेलिंग करें वायरल स्विंग ट्रेडिंग एलगोरिदम डज नॉट हैव टू बी एग्जैक्ट एंड प्रडिक्ट पीक और वैली ऑफ द प्राइस इट डज नीड अ मार्केट दैट मूवज इन वन डायरेक्शन और अन अदर कि ये देखते हैं ये उस मार्केट में काम करते हैं जब एक जगह ऊपर जाती है फिर मूवमेंट होती है एंड देन इट टेक्स डायरेक्ट तो डायरेक्शन जहाँ एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे दे है रेंज बाउंड और साइड वे मार्केट इज रिस्क फॉर स्विंग ट्रेंड रेंज बाउंड इज वॉट के जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है नॉट वो ऊपर जा एक सर्टन बेल्ट्स के अंदर ही मूव करती रहती है तो दे कैन नॉट मेक टूक उनकी कंसोलिडेशन और वो जो स्विंग्स वाला फैक्टर है वो इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता और वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो दे डोंट लाइक दे वट सच मार्किट्स के वो कुछ टाइम के लिए गिर रही हैं तो गिरें और बढ़ रही हैं तो कुछ टाइम के लिए वो बढ़ें ताकि लेवल आए दे गेन आउट ऑफ इट ये सिर्फ एग्जाम्पल चार्ट है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट फ्टर सर्टन लेवल वील बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे बट यहाँ पे आप एक सिर्फ देख सकते हैं ये बेसिकली जो आप छोटे छोटे निशान देख रहे हैं इनको कैंडल्स कहते हैं ये एक टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है बट वट वी आर ट्राइंग टू शो हेयर रेज कि आप देखें कि एक ये राइज आ रही है दैट ट्रेंड गोज अप देन इट रीट्स अ पीक देन वी सी अ फॉल कमिंग डाउन सो so ये एक मूवमेंट फैक्टर है जो के ग्राफ में आता है तो ये हमारे इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर करेंगे जो के उस मूवमेंट लेवल्स के साथ मूव करना चाह रहे हैं सो यू कैन सी अ हाई राइज कमिंग इन एंड देन इज अ फॉल एट द एन एंड देन द पैटर्न कैरीज ऑन फोर्थ कैटेगरी इन एक्टिव ट्रेडिंग इज स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट स्ट्रैटी एम्प्लॉयड बाई एक्टिव ट्रेडर ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर मेनली मेकिंग इट थ्रू वॉल्यूम जी कैसे बात करते हैं इट इंक्लूड्स एक्सप्लोइटिंग वेरियस प्राइस गैप्स कॉज बाय बिल्ड एंड आज एंड ऑर्डर फ्लोज आपको पता है आप जैसे कर किसी फॉरेन करेंसी डीलर के पास जाएं तो आपने पूछा जी कि जी पाउंड का रेट क्या है तो ही लास्क आपने बेचना है या ख़रीदना है सो यू विल सरप्राइज नो के दे आर टू रेट्स वन इज बिड एंड वन इज आस एट वट प्राइज ही बाई फ्राम यू एंड वट प्राइज ही सेल टू यू अगर हम पाउंड की बात करें तो मे बी ही इज बाइंग एट टू हंड्रेड एंड मे बी ही गोइंग टू सेल डैट टू यू एट टू जीरो वन तो जो गैप है दैट इज देयर स्प्रेड सो इसको कहते हैं बिड आस स्प्रेड तो ये जो स्ट्रेटी है स्कैल्पिंग वाली ये देखते हैं कि ये किस ट्रेड में किस इन्वेस्टमेंट में बिडाज स्प्रेड जो हैं वो ज़्यादा हैं जहाँ से हम गेन आउट कर सकते हैं या बाइंग सेलिंग में जो गैप है पहले एक ये भी होता था पाकिस्तान में हमारे पास एक कराची की मार्केट थी एक लाहौर की मार्केट थी अब तो इट्स वी हैव पाकिस्तान स्टॉक चेंज वन मार्केट बट प्रीवियसली वी हैड थ्री मार्केट कराची लाहौर एंड इस्लामाबाद तो बट सेम शेयर वर बीइंग ट्रेडेड इन लाहौर एंड सेम एज़ कराची एज वेल well. तो कुछ लोगों में कई दफ़ा ये भी होता था लाहौर से बाय करके इमिजिएटली कराची में सेल कर देते थे अगर वहाँ पे उनको कोई प्राइस डिफरेंस नज़र आता था सो so, जहाँ पे भी कोई इनफिशेंसी या डिफरेंस आता है ये एक्सप्लॉयड करने की उसको कोशिश करते हैं द स्ट्रैटी जनरली वर्क बाय मेकिंग द स्प्रेड और बाइंग एट बिड प्राइस एंड सेलिंग एट आज प्राइस टू रिसीव द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइस पॉइंट तो ये दोनों लेवल्स के अंदर रह के जो कि बेशक कम भी होते हैं दे वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट त्याप अटेम्प टू होल्ड देयर पोजिशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड दस डिक्रीजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रैटी क्योंकि इनका मार्जिन का जो जिसको आई कर रहे होते हैं वही इतना कम होता है तो दे डोंट वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्ग ट्रांजेक्शन एडिशनली स्कर्स डो नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉय लार्ज मूवस और मूव हाई वॉलीम्स ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए या मूवमेंट्स के साथ इतना ज़्यादा प्ले नहीं करना चाह रहे होते दे आर मोर लुकिंग एट के करंट जो इन एफिशेंसीज है करंट जो गैप्स हैं उनको कैप्चर करें राधर दे ट्राई टू टेक एडवाटेज ऑफ स्मॉल मूव दैट अक्कर फ्रीक्वेंटली एंड मूव स्मॉल वॉल्यूम्स मोर ऑफन छोटी छोटी बार बार ट्रांजेक्शन्स करके दे वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट राधर दैन पेकिंग वन बिग पोजिशन जो कि ले कर लॉन्ग टर्म करें इनका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता सिंस द लेवल ऑफ प्रॉफिट पर ट्रेड इज स्मॉल स्कैपर लुक फॉर मोर लिक्विड मार्केट्स टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ देट ट्रेड क्योंकि हमें बहुत फ्रीकुंटली छोटी छोटी बार बार ट्रांजेक्शन करनी है तो हम उस मार्केट में या उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली बाय सेल हो सकेगा जैसे अगर यह करेंसी की बात करें तो दे मे बी डूइंग मोर करेंसी ट्रांजेक्शन इन डॉलर पाउंड जोरो तो ऐसी करेंसी जैसे हॉन्ग कॉन्ग डॉलर या उमान की जिसमें बहुत फ्रिक्वेंट ट्रेड ना हो तो उसमें ये इतनी एंट्री शायद ना लें अनलेस दे आर श्योर के दैट ट्रांजेक्शन कैन बी लॉग इन एंड अनलाइ स्विंग ट्रेडर्स लाइक मार्केट दैट आर प्रोन टू सडन प्राइस मूवमेंट सो दे कैन पोटेंशियली मेक द स्प्रेड रिपीटिडली ऑन द सेम बिट एंड आस्ट ये नहीं चाहते कि मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट अप जाएँ डाउन जाए ये कहते हैं मार्किट स्लो क्वाइट मूवमेंट में रहे जो स्प्रेड चल रहे हैं वो इनको मिलते रहे एंड दे टेक स्मॉल बिट्स ऑफ इट अगेन एंड अगेन यानी कि हमें थोड़ा सा जो गेन मिलता जा रहा है इसी लेवल्स पे प्राइस पे मिलता रहे अगर प्राइसिंग में बहुत चेंज आएगी तो फिर उसके स्प्रेड पे भी इम्पैक्ट आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ प्राइस ऑफ अ कंपनी एक्स वाई जी राइज फ्राम फोर्टी टू फोर्टी तो ये अगर हम देखें तो सिर्फ पॉइंट 0.5 का चेंज है यानी कि बहुत कोई मटीरियल चेंज नहीं है बहुत निगलिजिबल है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर इसके इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे लेकिन जो स्कैल्पर हैं वो इसको कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करेंगे वो कहेंगे कि जी हम फोर्टी वन पॉइंट फाइव पर ले लें पोजीशन एक लाख की मैंने पोजिशन ले ली एंड देन आई सेल इट एट फोर्टी वन पॉइंट डबल फाइव सो उस फाइव पैसा से ही मैंने फाइव थाउजेंड डॉलर्स का गेन कर लिया लेकिन ये भी नहीं है कि ये इकट्ठा ही करेंगे तो हो सकता है ये दो हज़ार शेयर्स में ट्रांजेक्शन बार बार करते रहें और अगर पूरे दिन में एक लाख की ट्रेड कर ली और उसमें से पाँच हज़ार डॉलर ये अर्न कर ले तो छोटी अमाउंट्स और छोटे डिफरेंस को देख के बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट तो इफ़ प्राइस चेंज टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ जस्ट वन ट्रेडिंग विच इज इंटायरली पॉसिबल द ट्रेडर कैन मेक फाइव अ डे ऑफन प्राइस चेंज और इवन स्मॉलर दैन पॉइंट इससे भी कुछ कम भी हो सकती लेकिन ये अपने वॉल्यूम्स की वजह से अपने उस फ्रीक्वेंसी की वजह से उसको गेन करते हैं तो ये स्काल्पर का वे ऑफ डूइंग है सो वी हैव डिस्कस्ड होल फोर इन एक्टिव ट्रेडिंग ये स्टॉक्स में भी अप्लाई होती हैं करेंसी में भी अप्लाई होती है थैंक यू